क्वेश्चन नंबर टू कैसे, क्वेश्चन नंबर टू में एडजस्टमेंट्स ज्यादा हैं। पहले इसकी वर्किंग हम कर लेते हैं, बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। पॉइंट नंबर ए, इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 9 वाज वैल्यूड एट 16 लाख। व्हाइल डूइंग द इन्वेंट्री काउंट, एरर्स इन द प्रीवियस ईयर इन्वेंट्री काउंट वर डिस्कवर्ड। एरर क्या हुआ? इन्वेंट्री ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शुड हैव बीन 2.2 मिलियन, नॉट 2.4 मिलियन एज अब। अच्छा, भी लास्ट ईयर के स्टॉक की बात कर रहे थे, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग होगा ना, यानी कि कह रहे हैं ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ इसने 2400, और यहाँ वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि ये 2.2 मिलियन होना चाहिए था, 2.4 मिलियन नहीं होना चाहिए। इन्वेंट्री हमारी क्या हो गई? ओवर वैल्यूड, ओवर स्टेटेड। अच्छा, इसकी करेक्शन क्या होगी अब? अच्छा देखिए, हाँ, स्टॉक को अब हम कम करेंगे 0.2 मिलियन से। ठीक, अच्छा, अब करंट ईयर का ये ओपनिंग स्टॉक है तो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग होगा ना। अच्छा, एरर कहाँ आया था? नेक्स्ट ईयर में आया ना, ठीक है ना। व्हाइल डूइंग इन्वेंट्री काउंट, एरर इन द प्रीवियस ईयर इन्वेंट्री काउंट वर डिस्कवर्ड। लास्ट ईयर हुआ, यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड, ठीक है, जो इस ईयर का ओपनिंग बन गया ना। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा? ओवर स्टेट हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी, ज्यादा होगी? कम हो जाएगी ना। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आएगी ना, क्योंकि स्टॉक ज्यादा बचा तो मीन सोल्ड कम हुआ, स्टॉक ज्यादा बच गया तो मीन सोल्ड कम हुआ ना, तो कॉस्ट आपकी कम होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ओवर स्टेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, हम इतने रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ है ना हमें, रिटेन अर्निंग ये रिटेन अर्निंग A560 है, तब ये रिटेन अर्निंग भी ओवर स्टेटेड है ना। ठीक, अब करेक्शन क्या होगी? हम पहले अपने ओपनिंग स्टॉक को डिक्रीज करेंगे और सेकेंड रिटेन अर्निंग को भी डिक्रीज। अब स्टॉक और रिटेन अर्निंग दोनों आपके डिक्रीज हैं, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो ये होगी रिटेन अर्निंग डेबिट, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो रिटेन अर्निंग डेबिट, और इन्वेंट्री डिक्रीज होगी क्रेडिट। वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पे? 200, ठीक है, 200 से रिटेन अर्निंग डेबिट और 200 से इन्वेंट्री क्रेडिट। ये तो हो गए एक ही करेक्शन। अच्छा, बी पॉइंट इसका है, बी में डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पॉइंट वन है, बिल्डिंग एट स्ट्रेट लाइन चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट बिल्डिंग की, डेप्रिसिएशन जो 5% स्ट्रेट लाइन है तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 10,000 है सर, और स्क्रैप वैल्यू तो नहीं दी हुई, क्या कहेंगे हम 10,000 का 5% जाएगा कितना? 500। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा 500, ठीक है। सेकेंड एसेट कौन सा है? प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 1400, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 480, और परसेंटेज कितनी है? 20%। कैलकुलेट करें, ठीक 184। इसके बाद
एसेट कौन सा है? मोटर व्हीकल्स एट 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मोटर व्हीकल्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी रिड्यूसिंग है, तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 320 माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 120 और 25%। ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ इसने क्या, बिल्डिंग में क्या लिखा था कि चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, और मोटर व्हीकल में लिखा है चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, आपको याद होगा हमने जब सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे उसमें हम एक्सपेंसेस को बाय नेम चार्ज कर रहे थे ना, एडिंग होती थी वहां ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरी, इंश्योरेंस, जैसे। ठीक, अच्छा यहाँ पे हमने इस तरह नहीं किया ना, यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस आप यहाँ देखें 12 बैलेंस पे दिए हुए, लिखा हुआ एडमिन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, एक्सपेंसेस को हम दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक बाय नेचर और सेकंड बाय फंक्शन। ठीक है, बाय नेचर और बाय फंक्शन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए थे ना सोल ट्रेडर के, सोल ट्रेडर में हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं बाय नेचर, वो हमने रेंट एक्सपेंस को रेंट एक्सपेंस लिखा, सैलरी को सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस। कंपनीज का जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो इसमें हम एक्सपेंसेस को बाय फंक्शन रिकॉर्ड करते। ठीक है, ठीक है, तो बाय फंक्शन इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एडमिन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें बिल्डिंग की, यहाँ पे बिल्डिंग में क्या लिखा है, बिल्डिंग एंड स्ट्रीट लाइन चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस। जो आपकी बिल्डिंग है ये कहाँ यूज हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पर्पस क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ हो गया, एडमिन एक्सपेंस। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन, तो उसकी कॉस्ट को कहाँ चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, मोटर व्हीकल्स का फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी कॉस्ट को कहाँ चार्ज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो कंपनीज में हम एक्सपेंसेस को बाय फंक्शन रिकॉर्ड कर। ठीक, अच्छा ये हो गया हमारे डेप्रिसिएशन। इसके बाद पॉइंट नंबर सी, नो फाइनल डिविडेंड इज बीइंग प्रपोज्ड। नंबर डी, बैड डेट्स, इसमें बात करेंगे, कस्टमर हैज गॉन बैंकरप्ट ओइंग 76,000। अच्छा, दिस डेट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड एंड एन एडजस्टमेंट शुड बी मेड। एन अलाउंस ऑफ आवर रिसीवेबल ऑफ 5% इज टू बी सेटअप। अच्छा, पहले ये राइट ऑफ करेंगे 76,000, उसके बाद हमें अलाउंस कैलकुलेट करना है 2% का। अच्छा, इसकी वर्किंग मैंने की हुई स्लाइड्स पे, तो वो स्लाइड से कॉपी कर ले तो मैं समझा देता हूँ। क्रेडिट्स की वर्किंग है, अब यहाँ देखिए रिसीवेबल्स कितने गिवन है, हमें यहाँ लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 876 के। ठीक है, रिसीवेबल्स है 876 और इसमें से आप राइट ऑफ कितने कर रहे हैं, हम 76,000 राइट ऑफ हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने से डायरेक्ट क्या हुआ समझ लीजिएगा, अकाउंट रिसीवेबल है हमारे 876, राइट ऑफ किए 76 माइनस हो गए, रिसीवेबल्स रह गए कितने 800। ठीक, अच्छा नीचे एंट्री जो बनी हुई है इररिकवरेबल डेट्स की एंट्री क्या होती है, इररिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अलाउंस फॉर रिसीवेबल कितने हैं 5%। अब हम 800 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स आ जाएंगे 40, और इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे। यहाँ ट्रायल बैलेंस में देखिए आपको अलाउंस फॉर रिसीवेबल नहीं दिए हुए, जीरो हो गया, इंक्रीज इन अलाउंस कितना आ गया 40 का। एंट्रीज है आप क्या बनेगी, रिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक, तो अब इनकम स्टेटमेंट में बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, हाँ देखिए राइट ऑफ कितने किए थे हमने 76 और इंक्रीज इन अलाउंस कितना था 40, दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंस बन जाएंगे आपके 116। ये अकाउंट की जरूरत है,
क्लियर है, जो राइट ऑफ किए और इंक्रीज इन अलाउंस दोनों ऐड हो गए, तो टोटल बैड डेट एक्सपेंस आ जाएंगे 116। के बाद लास्ट पॉइंट है जिसमें लिखे पॉइंट ई, 1 मिलियन न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स वर इश्यूड एट 1.5 ऑन 1 दिसंबर 9, द प्रोसीड हैव बीन लेफ्ट इन सस्पेंस। अच्छा वही है जस्ट करेक्शन है यहाँ पर, अब जो हमने क्वेश्चन 1 में दी थी ना, तो यानी कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस यहाँ गिवन है हमें 1500 क्रेडिट। सॉरी, इसके रीजन क्या बता रहा है वो, अपने न्यू शेयर इशू किए और द प्रोसीड लेफ्ट इन सस्पेंस अकाउंट। ठीक, इसके मैं आपको कंप्लीट एंट्रीज बना लेते हैं, ओरिजिनल रॉन्ग और फिर उसकी करेक्शन कर। इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, शेयर इशू कर रहे हैं तो ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है इसकी, इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम ट्रेड हो जाता है। यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं कितने शेयर हैं, 1 मिलियन शेयर हैं, 1.5 के रेट पर इश्यू हुए, तो कैश कितना मिलेगा, 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख हो गए ना। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी कॉस्ट पे और पर वैल्यू पे, तो शेयर कितने के हमारा, 1 डॉलर, तो 1 डॉलर है 1 मिलियन शेयर, सो 1 मिलियन से शेयर कैपिटल क्रेडिट, बाकी 5 लाख शेयर प्रीमियम हो जाएगा ना। ये तो इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी, इसने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, द प्रोसीड हैव बीन लेफ्ट इन सस्पेंस अकाउंट। यहाँ देखिए सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पर 1500 का, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मीन्स हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड की है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड, तो डेबिट में हमने रिकॉर्ड किया बैंक 15 लाख है ना, एक जीरो ज्यादा लगा, और क्रेडिट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, इसीलिए क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया 15 लाख, क्रेडिट कुछ नहीं। अब क्वेश्चन क्या होगी, सस्पेंस डेबिट होगा क्लोज हो जाएगा और क्रेडिट में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम आ जाएगा, शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल आप लिखेंगे 1 मिलियन से और कैपिटल प्रीमियम 5। तो ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगी, क्लियर। अच्छा ये हो गई हमारी वर्किंग्स, अब हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेट। ओके, अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और पहले हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ सेल्स कितनी है, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ आपको 11,577,752 सेल्स, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसकी वर्किंग आपको दिखा देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है वो कैलकुलेशन, पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। अच्छा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे देखिए दिया हुआ था ना 24, तो वही हमने इसकी करेक्शन की थी। अब ओपनिंग स्टॉक कितना लेंगे, ये दिया हुआ ना 2.2 मिलियन, यानी कि 2200 लिख लेते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक अब हो जाएगा 2200। ऐड करेंगे परचेजेस, परचेजेस कितनी है 4200 ऐड कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद देखें इसमें जो पॉइंट नंबर बी है एप्रिसिएशन वाला, तो पॉइंट नंबर टू पढ़ें, बी का टू, तो पॉइंट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 20% ऑन रिड्यूसिंग चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगा, कितना था हमने कैलकुलेट कितना किया था,
184 इसमें ऐड कर लेंगे, और उसके बाद क्लोथिंग स्टॉक माइनस होगा। क्लोथिंग स्टॉक ये दिया हुआ आपको 16,30,000, कट करते हैं 1,600 रह जाएगा, और आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 4,980, 4,980। क्लियर, कॉपी बाद में करेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। आप ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड होती है, यहाँ पे देखें सेल्स के अलावा कोई इनकम है, सेल्स के अलावा यहाँ पे कोई और इनकम गिवन। अब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है आपको एडमिन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 650, यहाँ 650 नहीं आएगा। अब इसकी वर्किंग दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 700 कैसे आ रही है। 12 बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है हमें 650। और अब आप आ जाए पॉइंट नंबर बी के सब पॉइंट 3 पे, यानी कि मोटर व्हीकल है 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ऐड होगा, कितना था 50, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाएगी 700। ठीक है, चार्ज लिखा हुआ है नहीं यहाँ कितना चार्ज कहाँ करना। अब इसके बाद तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडमिन एक्सपेंस माइनस करते हैं। अब यहाँ देखें 12 बैलेंस में एडमिन एक्सपेंस हमें गिवन है कितने 2,206, यहाँ पे चार्ज कितने हो रहे हैं 2,822। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, ट्रायल बैलेंस में एडमिन एक्सपेंस गिवन है हमें 2,206 के। अच्छा, अब आ जाए वही पॉइंट नंबर बी का पॉइंट वन, बिल्डिंग एट 5% स्ट्रेट लाइन चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ऐड होगा। अच्छा, बैड डेट्स जो हमने कैलकुलेट किए थे वो कहाँ चार्ज हो, बैड डेट्स एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड करें या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो होता है उसका काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सप्लाई करना, उसके बाद कस्टमर से कलेक्शन करना, किसका काम होता है, एडमिन का। ठीक है, तो अगर बैड डेट्स हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, एडमिन, इसलिए बैड डेट्स हम एडमिन एक्सपेंस में ऐड। और ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 2,820। एडमिन एक्सपेंस हो गए। अच्छा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन था बिल्डिंग का, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, चलें देख लीजिएगा। तो इसके बाद अच्छा, वो था आपका अब टैक्स आना, इनकम टैक्स माइनस होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो यहाँ देखें लास्ट में रिक्वायरमेंट के लास्ट में एक सेंटेंस है, इग्नोर टैक्सेशन, तो इनकम टैक्स टैक्स नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आता है, गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो इसमें रिवैल्यूएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो लॉस गेन और रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, तो यहीं पे हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। वो मनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, देखिए इक्विटी में क्या क्या आएगा, यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल दिए हुए 100,000, और शेयर प्रीमियम 500, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 560, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बैलेंसेस कॉपी कर लेते हैं, पहले शेयर कैपिटल 1,000, शेयर प्रीमियम 500, रिटेन अर्निंग 560, बैलेंस आ गए। अब इसमें चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट देख के बताएं प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है।
3, 2, 4, 6 इसके बाद अभी पॉइंट नंबर ई था, इसमें पॉइंट नंबर ई इसकी हमने करेक्शन की थी एरर की। इसकी करेक्शन हमने क्या की थी, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट हो रहे हैं मीन्स इंक्रीज, तो ये ऐड कर लेंगे। कैपिटल में आ गया 1000, प्रीमियम 500 टोटल। अब इसके बाद अब डिविडेंड पे आते हैं। तो यहाँ देखिए 12 बैलेंस में डिविडेंड पेड दिया हुआ है आपको कितना, 200। 200 रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं डिविडेंड पेड, ये तो होगा हमारा इंटरिम जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया। और फाइनल डिविडेंड पॉइंट नंबर सी पर नहीं लिखा हुआ, नो फाइनल डिविडेंड इज बीइंग प्रपोज्ड, ये फाइनल नहीं आएगा। के बाद इसमें देखें जो पॉइंट नंबर ए था, पॉइंट नंबर ए इन्वेंट्री की हमने यहाँ करेक्शन की थी, ठीक है। इसकी करेक्शन क्या की थी हमने, कि एंट्री हमने बनाई थी रिटेन अर्निंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। रिटेन अर्निंग डेबिट मीन्स डिक्रीज, रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो रही है, यहाँ से माइनस करेंगे 200 रिटेन अर्निंग से माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट, और इसके साथ ही ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और अब टोटल कर लेते हैं। हाँ इसमें एडजस्टमेंट्स कम थी, क्वेश्चन वन में ज्यादा थी, उसमें रिवैल्यूएशन भी था, ठीक है ये कम है इसमें, ठीक है ये कॉपी कर लें। बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है पहले लिखते हैं इसमें नॉन करंट एसेट्स। तब यहाँ देखिए आपको नॉन करंट एसेट इसने दिए हुए हैं तीन, नॉन करंट एसेट है प्लांट बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट मोटर व्हीकल्स, यहाँ मैंने इनका सम करके लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और वर्किंग इसकी अलग से दिखा देता हूँ ये किस तरह आया ना। अच्छा बैलेंस इसमें हम लिखते हैं, अब यहाँ पे इसमें बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है 10,000, इसमें से हम लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है 4,000, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया था हमने बिल्डिंग का 500, तो एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 4,500 ना, तब 10,000 में से 4,500 लेस करेंगे तो ये बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू आ जाए 5,500। सेकेंड अब प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 1,400, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 480, इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 184, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 664, माइनस करेंगे बुक वैल्यू आ जाएगी 736। थर्ड एसेट है मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट है 320, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 120, इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 50, ये हो जाएगा 170। 320 माइनस 170 इसके नेट बुक वैल्यू आ गई 150, और इसका बैलेंस कर लेते हैं हम, ये नेट बुक वैल्यू का बैलेंस आ जाएगा 6,386, 6,386, और ये वैल्यू हम लिख लेंगे बैलेंस शीट, तो ये इसकी कैलकुलेशन क्लियर। अच्छा नेक्स्ट, और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, करंट एसेट लिखते हैं। करंट एसेट से पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर है 16 लाख, ये लिख लेते हैं 3,000 ऊपर गए 1,600। के बाद अकाउंट रिसीवेबल, अब रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे इसके मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, वर्किंग देखें वर्किंग देख के बताएं रिसीवेबल्स कितने आएंगे, एंड रिसीवेबल्स वर्किंग देख लें, वर्किंग रिसीवेबल्स थे 876, 76 हमने राइट ऑफ किए थे, 800 रह गए, ठीक है अब उसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का अमाउंट क्या माइनस हुआ 40 है, क्योंकि हम सिर्फ अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते हैं जो कि एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स के इक्वल होता है, ठीक तो 800 माइनस 40 6
760 आ जाएगा। ठीक, तो मैंने बैड डेट भी दिखा दी है 876, माइनस राइट ऑफ किए थे 76, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल 40, तो नेट रिसीवेबल्स हो गए 760। उसके बाद बाकी एसेट्स देखते हैं, करंट एसेट्स में और क्या दिया है इसने। कैश एट बैंक, क्योंकि कैश एट बैंक है 100 एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब ये करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए, टोटल कर लेते हैं। ये टोटल करंट एसेट्स आ गए 2460। अब नॉन करंट और करंट एसेट्स को ऐड कर लेंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास 8846। ये एसेट्स कंप्लीट हो गए, अब इक्विटी और लाइबिलिटीज पे आते हैं। अच्छा, इक्विटी में अब हम बैलेंसेस लेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। तो शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? 2000। शेयर प्रीमियम का बैलेंस, ये सब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से ले रहे हैं, 1000। रिटेन अर्निंग का बैलेंस 3406, और ये हमारी इक्विटी आ गई 6406। के बाद लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डायरेक्ट करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, ट्रेड टेबल्स हैं और सेल्स टैक्स पेबल है, और कुछ भी नहीं है ना बाकी। एडजस्टमेंट्स में कोई अक्रूअल्स या डिविडेंड पेबल कुछ भी नहीं है। दो करंट लाइबिलिटीज हो गए, सेल्स टैक्स पेबल और अकाउंट्स पेबल, और ये टोटल आ गया। अब इक्विटी और लाइबिलिटीज को ऐड कर लेंगे, ये टोटल हो जाएगा 8864, और ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट।